काम कर फास्ट है यार, तू तो लंगर चलता पे मां जिंदे तेरे नखरे चंदी। उठे काम कर, मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूं, जल्दी कर जल्दी कर। जिंदगी तंग थी ते अम्मा ने मार के मेरे को पता कहने जिम्मे ला गए जमीन की थी। वो पेशा हो कौन साफ करे से एक कम किना नहीं दूजा आग दबे कार गिनो। सारे काम तेरा प्यो करे से, मैं ही एक रह गया, सारे काम मैं ही करा। आप सिर्फ एक काम करते सारा दिन बद दे रहा तो बेले। वो प्यो को धो, ज्यादा तकलीफ ना कर। हाँ सही यही काम में रह गए, बर्तन ही मैं ही धोए सा। ढांडावदी नाम रोले तेरी माँ जाफी निशानी है, माँ दी जिंदा निशानी है। इंदी तो कदर नहीं करांदा, ये बेजान बर्तन है इंदी मैं कदर करा। वाह बाबा ताएगनो ज्यादा कीमती बर्तन है। हम तो हमने कम तो अंदर तू केरे कम दे, मैं कहीं कम दे कहीं ना ये सही सारा बापरे मैं वेदा पे। मसाद ते को मेरी याद कहनी है, मैं तो रात को निंदर नहीं कर सकता तेरे बगैर। सारे घर वाले ना लड़दा मैं तेरी खातर, सिर्फ तू सिर्फ अपने घर वाले को मेरी खातर ही गाल नहीं की हो गया यार। ना लोगों में खाने वाली चीज में जमीन पे सुटे हुए आप करके इंसान तूने घर वाले ना ही मने, ठीक है तेरा लाख दी लानत है साडी जिंदगी। जिंदगी तो तू एंजॉय कर रहे हैं अस्त बस ना दे चौधरी यार चौधरी तू तो सिर ना खा के मैं परेशान हूं पहले कि नु भी तू आ करें तो सिर खावन पैगी मेरा। सच्ची दसे बच्ची सुनी है यार, शर्म कर तू, सच्ची मोहब्बत है मेरी। वाह वे अल्लाह सिया केड़े घर पैदा की थी। सारा दिहाड़ा चीख चिंबड़ा लग्या रहंदा, सारा दी कम कम कम, ना रोटी दा टाइम, ना कहीं खाने दा टाइम, ना कोई शय दा टाइम। किस्मत लिखी है के जी पता लिखी है, चंगे घर दा पैदा करे इहो पियो बड़ा होना भी मेरा। सारा दी कम 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 कम, पता नहीं क्या भला है। ओए बोलिया मैं तेनू किथे किथे लभ रहा ते तू इथे बैठा कर की रहा है? नोट पटे ना बैठा पट गए तू ही भी तू हर टाइम पैसा 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 ही लगे रहना है, पैसे ना जिंदगी नहीं गुजरती। चौधरी तैं लेकर हर बंदा बड़े घर पैदा कहनी थी। ओए कमलिया सियाने कहंदे ने मेहनत च अजमत है, ते तू फिर कम तो डरदा है चाहे चरिया ते कुछ वेले टाइम उठा ते आखे ना बुहारी दे बर्तन दो खा काटा मंझा कुमाते घा साटा एबा काम कर ओबा काम कर। वल मैं तेन पूछा और वल मैं ए भी पूछा के सियाने नु पूछी के इतनी मेहनत केड़ी अजमाते। ओए चंद्रिया आ जेड़ा तू 24 घंटे रोंदा रहंदा ना ए मेनू तू बाला चंगा नहीं लगदा। हर कोई काम करदा है, तेरा काम कोई वखरा है। टाइम तक सवेले दा नाश्ता ना मिले ना वल तेन पूछा काम किवें थिंदे, रोटी दा मसला है हर वेले करदा रहना। चला मैं तेन रोटी खवाने। हाँ मैं बोले हाँ जी सही। हाँ मैं तू तो आ जाई मैं शहर में सा आवे सा ते को कोई मसला है? तू तो आ जाई मैं तमान ते काम करे सा पैसे कमे सा हुन वेंदा क्यों नहीं? पुत्र जदा मैं वेसा ना एडे वर्गे मेरे नौकर हो से नौकर ए याद रखी गाल पांच बार पांच पैन जन ढक गया जेमले वैसे वाला देखसू वन बन या दिमाग खराब ना कर, काली जुबान ना मारी कर, एक काम सीधा थीमा डीता करो। ओए छोटे ए की कर रहे हैं? इस काम में इधर रख दे पहले वो काम कर ले। अम्मा जी यार काम कर लो जल्दी कर लो, तुम्हारी मेहरबानी है जल्दी कर। उन्होंने छोड़ देना उन्होंने चुकवा चल भी तू भी जल्दी कर, टाइम शार्टे जाना है मैं, जल्दी करो ढीले बंदे नहीं चाहिए। क्या यार चल भी जल्दी कर जल्द हम देख रहे हैं यार चौधरी, मैं हिसाब करके देऊँ, मैं इतना नहीं रह सकता, मेरा इतना गुजारा नहीं पड़ता, मैं शहर फरीदगेट तू टप्पिया नहीं है तो शहर जानिया गल्ला करते हैं, कभी देखा है तू यार चौधरी क्या थी गया मैं जो रिठा क्या थी गया, सारी जिंदगी थी मरू खड़े ही देहात मिट्टी दे रुमे खड़े रहूं, जो काम में थी रगड़ी में खड़ू, चार बनते कुछ करे तू कुछ काम करे पैसा कट्ठाती से को तब्दीली लैसू तक बढ़ से, अगर शहर नहीं गया तो ना बनू पूरा 5 मिनट गाड़ी सलाम मारते वेंदी पे को करे गवारा थे के बिराक चई वई वाला चक्कर लवई हम शाह दिखई कई बत्ते दिखई हम ओए ठंड ना तू इतना बोंद लगे तू शहर वाकफ है तेरा हाँ जानदा मेरा दोस्त है हादी, मैं उनको काम जिम्मे लाता ताकि मेरा काम शहर करवा मेरे को कितने काम लगा मैं शहर आवार जाना तो चरिया कितना अरसा पहले तू उन्हें रबता की तुम पता महीना डेढ़ थी कि उन्हें रबता किया हो गया बेटा मैं उन्हें कॉल करके पूछ भी ले तेन याद कर रहा है कि भुल गया भरा तेरा अस्सलाम वालेकुम हादी बिरा, क्या हाल है? सही ठीक हो? तबियत से ठीक है? अच्छा यार मैं तुम्हारे जिम्मे काम लाता हमें कि यार काम अदा करवाओ मेरे को, शहर सदवाओ कितनी सेटल करवाओ मेरे को। मुझे तेरा काम याद है, तू टेंशन नहीं ले भाईजान, तू शहर आने की तैयारी कर, तेरा पूरा बंदोबस्त मैंने कर दिया। अच्छा वाह भाई वाह 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 वाह, टेंशन नहीं ले चौधरी साहब अपना काम तो थी पक्का, मेरा दोस्त अंधा पे आप लगे हुए सू पाला वस्ती दिया मिट्टिया धूड़ा गमी मंजा खत्म आप और चौधरी आप गुलाब बोला हूं आप कोई था नहीं लभदे आप मेरे पीछा अल्लाह हाफिज़। ओए कमलिया गल सुन ले, गल सुन ले कमलिया, बिस्मिल्लाह जी बोला जी ठीक हो से सब खैर में रहे। ए जी चौधरी शमशेर ते हादी भाई ए मेरे शहर दे यार ने तुहाडे यार ने ते फिर साडे यार आओ बैठो जी। हादी भाई की हुंदा शहर तुहाडा की कारोबार है? भाई क्या करना है यार, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बड़ा कुछ है, शहर में अपना काम करते हैं सुकून से, बिजनेस है अपना। ये ज़मीनें माशाल्लाह सारी आपकी अपनी है माशाल्लाह, मैंने देखा जब मैं वहाँ से आ रहा हूँ मुझे ये बता रहा था कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र गई है आपकी ज़मीनें नज़र आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारियाँ ज़मीनां सारियां अपनी हैं, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है इतनी ज़मीनें आपके पास, आप फिर भी यहाँ पे जलील हो रहे हो यार, आपको तो चाहिए आप शहर आओ, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मैं कहता हूँ जिंदगी बदल के रख दूंगा आप, पैसे में खेलोगे आप। भाई पागल हो गए हैं, जमीन छड़ के शहर आ रही है भाई, ये सानू नहीं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की समझ आती, अले साडा इत्थे नाम है जिंदगी गुजारी खड़े हैं, दादे परदादे तो साडियां जमीनां हैं, असी शहर प्रोजेक्ट ये वो सानू नहीं कुछ चाहिए, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। यार चौधरी मेहमान है ख्याल कर कुछ तू तो थजू हमारे से तू बंदे को पाएगी क्या कि गल करन बैगी बाले दा दिमाग है तेरा यार, छोड़ यार चौधरी। तेनू की लगदा है कि असि रोटी पानी नहीं खुआवांगे ए पवा शहर दा ठग भी आ जावे असि ओने भी रोटी पानी खुआवांगे यार हादी ये मजाक करदा चौधरी दा मशगूल मिलन लग यार अंदर ए बार रोटी पूछे पता नहीं यार क्या काम करें यार ऐसे नोट चले यार, तुझे पता है मैं कितना बिजी बंदा हूं, टाइम मेरे पास होता नहीं है, तूने कहा था तो चलो मैं मिलने के लिए आ गया, चल यार उठ चल। तो भाई किधर है? रोटी पक रही है, रोटी खा के जाऊंगे, इतना नहीं जान देना। चाचा जी इसको शहर भेजो यार, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, आपने अभी तक इसको यहाँ रखा हुआ है, इस बेचारे की हालत देखो यार, कोई तर्स खा लो इस पे, शहर भेजो इसको। पता नहीं कितने लोग शहर जाके तरक्की कर गए, आप मुझे देख लो, हमारे माँ बाप इधर होते थे, क्या था हमारे पास, आज शहर चले गए। आपके सामने वो देखो वो गाड़ी खड़ी है जिसपे मैं आया। पुत्र आप इस जुबान बोल के शारवंत जुबान बुजुर्ग ना मानो दी है। अंकल जी क्या बातें कर रहे हो आप, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आप आज भी मान को लेके बैठे। बुजुर्ग थे बेचारे, अच्छी बुरी अपनी गुजार गए, सो गए जाके, आज उनका मान संभाल के रखे हैं, वो मान हमें रोटी खाने को देता। क्या तुम मेहमान है, चाह पानी पूछ तू क्या अपने वडेरे वडेरे गाले चाह बेटी अजीब बंदे यार। तब करते बस जबान न मार, नहीं कोई शहर कहना भेजे सा भोला जी है, नहीं को बुरा दा पता है ना भले दा पता है। अंकल जी जाने दें इसको, शहर चार पैसे कमाएगा, अपने आप ही अक्ल आ जाएगी, सारी जिंदगी तो भोला नहीं रहेगा, तो शहर जाएगा, रंग बिरंगी दुनिया देखेगा, चार पैसे कमाएगा, आपके काम ही आएंगे ना। मैं भाई जान तू समझ मैं कोई शहर कहीं भेजना, मेरे को कोई टेंशन के नहीं, तू जो करने करे थे मैं तो शार भाई दे कठे ही वेसा गाले सीधी मैं तो कुडसी वेंदा और हुन आखी वेंदा देखूं पुत्र तय थोलना नहीं तेरे लत्ता भांडी वेण। अंकल जी क्या कर रहे हैं, ऐसे गुस्से से काम नहीं होता, चुप कर दबो, तो मेहमानों में तेरी कदर करना। अंकल जी मेरी कदर करो ना करो, पहले इसकी कदर कर लो जो आपका बेटा है। चलो यहाँ से चले, यहाँ मैं नहीं रुकने वाला, यहाँ कोई किसी को समझ नहीं। यार चुप कर जाए एक मिनट, यार कोई समझने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ। को प्यार न समझना पे ठीक है, भोलवन शार रखा बेजरा भोलवन। अब तो जो करने कर जेड़ा जोर लगनी ला, मैं शार वेसा वेसा वेसा। पोत्र ते को प्यार न समझना पे ठीक है, तेरे जरे जनन ने खला लाग तो सारे लाग इंसान। अब तो जो करने कर खला ला या सोटी चा, मैं शार वणना वणना न तर मैं अपने आप को खत्म कर देता, मैं ते को आखी में ना। मेरे को मिलाते कि गया मैं समझ था परेशान बैठे था, तू अपने काम में लगा दी। तो जो तू अपना लहजा चेंज कर, ये गांव की जुबान ना गांव में छोड़ा, अब तू शहर में आ गया है, शहर की जुबान। मेरे काम था क्या कहती, काम का मसला नहीं, तू आज बोला है मैं अभी छोड़ा हूँ, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ तेरे लिए। और काम यार, मैं तो काम की नीयत से आया हूँ, गाँव से तो ये सोच के मैं जाके शहर काम करूँगा, और आप पता नहीं क्या जा रहे हो। देख, अगर तो तू फ्यूचर बनाना चाहता है ना, तो मेरे पास एक स्कीम है, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। यार पैसे? क्या बातें कर रहे? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं किसी से मांग के आता किराए के पैसे। बड़ी मुश्किल से मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं किराए के बस्ती से, मैं यहाँ आया हूँ और आप कहते हो कि यार पैसे चाहिए। बड़ा काम करने के लिए ना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर तू चाहता है ना कि मैं जिंदगी में कुछ बनूं, तो भाईजान रिस्क लेना सीख, वरना 20-25 हज़ार की नौकरी से क्या बना लेगा। तो अल्लाह के बंदे, एक टाइम की रोटी पूरी नहीं होती। मुझे तेरी बात समझ आई नहीं है, पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे का जुगाड़ एक तरह से हो सकता है। जो तुम्हारी गांव वाली जमीन है ना, अगर तू वो बेच दे ना, तो भाईजान तेरे वारे के न्यारे हो जाएंगे। ओए नहीं भाई नहीं, जमीन अब्बा मुझे जान से मार देगा। कहता कि जमीन बेच। यार तू मरवाएगा मुझे, जमीन का नाम ही ना ले तो बेहतर है। अब्बा टांगे तोड़ के मुझे चारपाई पे बिठा देगा। मेरे होते हुए तू टेंशन ले रहा है। अल्लाह के बंदे, तुझे ऐसी स्कीम बताऊंगा ना, तेरा अब्बा ऐसे मिनटों में राजी होगा, मिनटों में। गाड़ी चाहिए तुझे? गाड़ी मेरी? अल्लाह दी कसम ना गाड़ी यार। तू चाहता है कि जब तू बस्ती में जाए और जब तू गाड़ी के ऊपर जाएगा तो शरीकों को जो आग लगेगी। अल्लाह के बंदे क्या कहने उसके, थोड़ा दिमाग से सोच। 20 हज़ार रुपये कमा के तू अपने आप को क्या देगा, अपने बाप को क्या देगा? और जब तू बस्ती में जाएगा उसी हालत में, तो लोग तेरे को ताने नहीं देंगे कि इससे अच्छा तो तू बस्ती में था। नहीं भाई नहीं, मैंने जितनी बातें की है ना बस्ती में, तो भैंस की तुम मुझे जीना हराम कर देंगे मेरा। तो इस्तेमाल कर भाईजान इसको। शहर आया है ना तो अपनी सोच को भी बड़ा कर। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है। नौकरी नहीं करनी, अब बिजनेस करना है। यार सारी चीजें छोड़, सुबह से घूम रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ी बिजनेस की बात करते हैं। चल तुझे मैं लोकेशन दिखाता हूँ। मैं बस गाड़ी पे जाऊंगा ना। तो यार भाई, ये तुझे मैं लोकेशन दिखाने लाया हूँ। ये हमारा प्लाट है, इस पे हमने पैसा लगाना। 40 लाख तू लगाएगा, 40 लाख मैं लगाऊंगा। समझ आ रही है बात? कितने में जाएगा ये? 1.5 करोड़ रुपए में। तेरे हिस्से में कितने बनेंगे? 75 लाख रुपए मिलेगा तुझे। आदि भाई देख ले, मैंने अब्बे का सारा सरमाया तेरे कहने पे मैंने लगा दिया। अब तो इज्जत रख ले मेरी। यार तू क्यों टेंशन ले रहा है? अल्लाह के बंदे, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरा पैसा खा के मैं भाग जाऊंगा। अगर भाई तुझे नहीं एतबार ना, तू अपना पैसा ले जा, ना लगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तू पैसा नहीं लगाएगा तो ये नहीं है कि मेरा ये काम रुक जाएगा। वो अल्लाह के बंदे 10-20 दिन की गेम है सारी। कितने दिन की? 10-20 दिन की गेम है सारी, और पैसा डबल हो जाएगा। अगर तुझे नहीं यकीन भाईजान, तू चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू जा, वही जाके खेती कर अपने गांव में। हरी भाई देखो, गुस्सा ना करो भाई, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि आप अपनी बात जो है ना याद रख। मैंने बस्ती जाना गाड़ी पे है। देख मेरी बात सुन, तेरी तसल्ली के लिए ना ये जो प्रॉपर्टी है इसके डॉक्यूमेंट मैं तुझे देता हूँ। बल्कि तुझे क्या देता हूँ भाई, मैं तेरे नाम कर देता हूँ। देख मुझे टेंशन नहीं है, प्रॉपर्टी तेरे नाम हो या मेरे नाम हो, मुझे पता है 10-20 दिन में ये बिक जाएगी और डबल पैसे दे के जाएगी। चलो तुझे जो शक है ना, तेरा शक दूर हो जाएगा। तू सुबह चल मेरे साथ वकील के पास, मैं तेरे नाम करवा देता हूँ ये प्रॉपर्टी। यार हादी भाई कैसी बच्चों वाली बात कर रहा है तू? मुझे तेरे पे एतबार है, मुझे नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, अपने पास रख, मुझे तेरे पे एतबार है। आ जा, बस चले, आ जाओ। अब किताब मैं तो सारा पिंड लाभ लाभ ते वाल ते हुन इथा गया क्या घुमदा वदी क्या है देख सारी खाली जमीने घुमदा फिरदा वदी और ते को मेरी याद ते आ गई पुत्र। अब तू भुलाने चाहि मेरे को आज भी तेरे खले याद आमदे यकीन मान क्या भूलूं बढ़िया वदी। अब फैशन है 4000 रुपए की जैकेट की दिखड़ा 2000 दिया ना की दे मैं ते को मैं भूलूं लगदा खड़ा वाह वाह इतना खर्चा करते शहरी भूल लगदा वदी। अच्छा छोड़ अब मजाक छोड़ एडे मैं तेरे नाल गाल करनी है बड़ी काम दी गाल है क्या याद करे अले है कि हादी भाई ने ना तेरे नाल गाल करनी है एक और बड़ी अहम गाल है बड़ी काम दी गाल है ठीक है उनको मिल गिनो उंदा नाना कि नहीं अगे भी तेरी वजह को चुप कर गया मैं। अच्छा खैर कोई गल लेकिन हुन मिल सो ना को इंशाल्लाह तो आपको जड़ा ना लगा सुनते भी दिल खुश थी से तोड़ा बेफिक्र थी उन्हें। वे बोले गल सुन हूं तेरे आंदियां खबरें मैंने दूजे मुंडियों को मिलन गई क्या ना यार मैं तेरे को मिलन वाला टाइम ही नहीं मिल सके। अच्छा तो मैं सुना सीगा तो शहर वापस चल जाऊंगा अबे के थोड़ा काम है मैं बल्ले हम मैंने कह रहे हैं कि अबे ने मैं कोई गल करनी है ऐसी केड़ी गल है जेडी मेरे बगैर बस बस मैं तो जल्दी ही मिलता पर गल कर के सुनया सी कि शहर जाके लोगों की औकात बदल जाती है ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਰ कोई नहीं अल्लाह मालिक है ये रवे खुश रवे अपन जड़ा ना जमीन विच इंदे च अपना फायदा ही फायदा है निरा पैसा है यकीन मान पुत्र खल्ला लिठी मेरा जमीन दा ना के बुजुर्ग दी निशानी है। अब बस सुन ता गन कावड़ ना कर कहीं दी गल सुन ता सही ठड्डे दिमाग नाल प्यार नाल सुन तसल्ली नाल हाल देख पुत्र मैं सुन के ज्यादा बकवास ना मार इस जमीन ने दिता क्या है ढेको दीते ही क्या दीते मैं पैसा जदा मेरी मां मरदी पे उन्होंने क्या दीते ही 50 तनी मां जदा मैं नाश्ता का नहीं किता रोटी के भूखे मरदे पैसा दीते जमीन ने सब हर चीज दीते ही जमीन खुशा गन दीते ही। भाई आराम से प्यार से बात यार अंकल बड़े हैं बुजुर्ग हैं तू कैसे बदतमीजी कर रहा है ये सिखाया तुझे ले जाके क्या सोचेंगे अंकल के शहर ले जाके तुझे बदतमीज बना दिया। अंकल जी मेरी बात सुने देखें ठंडे दिमाग से सोचें आपका गुस्सा मेरे पे वो आपकी औलाद है ये जमीन है ये क्या है मिट्टी तो है सर क्या दिया इसने आपको 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकी ये जमीन आपको आप बोलते हैं बुजुर्गों का मान है ऐसे बुजुर्गों के मान को कहाँ लेके जाएंगे आप। जब जब भूखा बैठा हुआ था आज देखें इसका हुलिया चेंज हो गया। तू चुप कर वन ज्यादा बकवास ना कर ठीक है जिसने सारे लोगों तो आपको जमीन का कोई पता कर। अंकल जी मेरी बकवास ने देखें इसको क्या से क्या बना दिया क्या था ये भोला भोला कह के इसको जलील करते थे गाँव में आज चलेगा ना तो 10 बंदे पूछेंगे कहाँ से आया ये बातें करते हैं आप। ये जमीन ने क्या दिया है आप आपका घर देखा है मैंने छत तक नहीं है बारिश हो जाए तो पानी सारा उसके अंदर भर जाएगा। अंकल जी ठंडे दिमाग से सोचें इस तरह की 6 जमीनें आप बना लेंगे। मेरे को गालियां ना उलझा सीधी गाल कर जरी गाल करनी है। मेरी बात सुने अंकल जी कितने की होगी आपकी ये जमीन 30-40 लाख रुपए की होगी तो अंकल जी 30-40 लाख रुपए अगर ये जमीन आपको 75 लाख रुपए दे जाए फिर 75 लाख रुपए में अंकल जी 40 लाख की आपकी जमीन है 40 लाख आप इसको दें इस चंद्रे को दूं मैं इस चंद्रे को 40 रुपया ना दूं। शहर में 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो ये और मैं मिलकर खरीदेंगे। नहीं पुत्र मेरा हार्ट अटैक करने इतना योग कर दो 1 करोड़ अंकल जी 75 लाख रुपए आएंगे इसके हिस्से में सारी जिंदगी देखे हैं आपने 75 लाख रुपए पैसे गिन गिन के हमारा भाई जो तंग आ जाएगा संभाले नहीं जाएंगे इससे। वो तो तू सच्ची गल पे करें असल ये आखिरी जमीन है अंकल जी देखें इसका क्या हुलिया बना दिया मैंने क्या था और ये क्या बना दिया मैंने इसको। एतबार कर मैं एतबार की तू ही एतबार कर गए क्या क्यों क्या बढ़ गया सारी दिहाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े पास मैंने कहीं पता लगे ब्रांड पाती है तेरा। अंकल जी 10 दिन की गेम है सारी आप जमीन बेचें 10 दिन में 75 लाख इसके हाथ में होगा। अल्लाह के बंदे जब यहाँ गाड़ी पे चढ़ के आओगे ना 4 बंदे देखेंगे जो आपकी टोर होगी सलाम ठोकेंगे जो वो रिश्तेदार जो आपसे मिलके राजी नहीं है आपके घर आएंगे भाल वाल पूछने के लिए। अंकल जी अपनी सोच बदलें छोड़ेंगे बुजुर्गों का मान जमीन ठीक है ये जमीन जो आपके मुश्किल वक्त में काम ना आए क्या फायदा है ऐसी जमीन का थोड़ा सोचें। 75 लाख मिलेंगे अंकल जी। कितने? 75 लाख। हाँ जी, गिन गिन के थक जाएंगे। अब मन मानी बेचन जमीन को, अल्लाह दा बंदा कारोबार करूं, गाड़ियां शाड़ियां को एक दाड़ी दे अंदर झडू जमीन तक मैं घिनारे सा टेंशन ना गिन। 75 लाख हम से 40 लाख रुपए के 40 लाख दिया पवलाया जमीन छुड़वा गिन सु अगे तो बे पैसे अपन भी इन्वेस्ट कर गिन सु ना गिन वाला पैसे ही पैसा। मैं सुना तू जमीन बेच रहे हैं, पागल हो गया? यार चौधरी मैं तो दसन आमदा पिया, बस तू रस्ते जी मिल गई मेरे को। कदों दसना सी जो तेरी जमीन विक जांदी? ठंड रखो चौधरी, ना तेरा लेना ना देना, तू एवें मामा बनया फिर। ओए तू बाहर दा है, बाहर ही रह। तेरी हिम्मत की बती है, तू हादी भाई तो ते हाथ चुकी, तेरे प्यू दी जमीन है। ओए ठंड रख, मेरे प्यो दा ते नहीं तेरे प्यो दी ते है, क्यों अपने प्यो दा बुढ़ापा रोलन नूं फिर रहे हैं? चौधरी मैं तेरे मामले च कह नहीं, तू मेरे मामले च ना ठीक है, ई गाल को ठीक है रफा दफा कर दे। ठीक है फिर तू भी अपना रांझा राजी कर ले, जेडी लोकां ने बेच के खे खाइए तू भी खा ले। हां यार चौधरी। हादी भाई सांस तो ले, क्या हो गया? सांस तो ले रहा हूँ। काम हुआ अपना? हाँ काम हो गया, जमीन बिक गई, पैसा आ गया। तो यहाँ बैठे क्या झक मार रहे हैं, उठ चले। अच्छा कोई मसला तो नहीं होगा? तुझे भाई पे एतबार नहीं है? अबे एतबार है भाई, तो जमीन बेच के आया हूँ। तो उठ चले, टाइम क्या जाया कर रहा है? हैंडल करता हूँ, इसीलिए तो तुझे शहर बुलवाया। यार अपना काम हो गया पक्का, ठीक है भाईजान। अब मसला ये आ रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर। 2-3 दिन शहर से बाहर? मैं किधर जाऊंगा भाई, मेरा यहाँ कोई ना जान पहचान, ना मैं किसके साथ बैठूंगा। यार तू अल्लाह के बंदे कहाँ जाएगा, घर पे टिक तू आराम से, सारा तुझे खाना पीना सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। मैंने बस जाना है और आना है। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुन, लोकेशन पे तूने चक्कर लगाना है, ठीक है? अब ये तेरी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अब मुझे निकलना है, तो चल उठ घर। मेरी प्रॉपर्टी पे क्या करवा रहे हो? तो भाई यहाँ फिर से बहुत आते हैं, चलो यहाँ से चलो। एक्शन आपको अपना। तो भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मालिक हूँ इसका, और 40 लाख लगा हुआ मेरा इसके ऊपर। कौन सा सस्ता नशा करके है, कहाँ से लगती है तुम्हें 40 लाख रुपए की? भाई धक्का क्यों दे रहा था? तो भाई कोई सबूत है तेरे पास? है ना सबूत। मैंने और हादी भाई ने साथ मिलके ली थी ये जमीन। कौन हादी भाई? लगता है तुझे कोई चूना लगा गया है। शहर में ऐसे से बहुत से फ्राडिये फिरते हैं। और भाई जबान संभाल के बात कर, हादी भाई फ्राडिया नहीं है। और भाई अभी प्यार से समझा रहा हूँ। समझ गया, पर निकल ले यहाँ से। और तेरे जैसों को समझाने के मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। तो भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 या 3 दिन के बाद हादी भाई आएगा, साथ आएंगे, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। ओए भाई, तेरा हादी भाई है फ्राडिया, वो तुझे चूना लगा के चला गया है। चल निकल, तू यहाँ पे नजर आया ना, तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। Cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be. मतलब मेरे घर से कौन आ रहा है? ओ भाई जान, कहाँ से आ रहे हो आप? मैं अपने घर से आ रहा हूँ। भाई ये घर तो मेरा है, आप वहाँ क्या कर रहे हो? और भाई मेरा घर है, मैं जहाँ से मर्जी हूँ, अब क्या मसला है? ये हादी भाई का घर है, मैं और हादी भाई एक साथ रहते हैं यहाँ पे। तो भाई गले में छोड़ा डाल, आप बैठ के बात करते हैं। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain. क्या हुआ किसी काम से, तो मैं वहाँ आ रहा था। ओ भाई, जो उस घर में रह रहा है ना, पहली बात उसका नाम हादी नहीं है। ओ भाई क्या कह रहा है तू? मैं उसे बचपन से जानता हूँ, उसका नाम हादी है। उसे जानता होगा, 8 साल होगा वो यहाँ रह रहा है। यार भाई, हादी भाई ने मुझे यहाँ बुलाया था, मेरी उसके साथ पार्टनरशिप है, मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है 40 लाख रुपए की। अच्छा, अब मुझे समझ आए, जो 3-4 दिन पहले मिला था वो क्या कह रहा था? 3-4 दिन पहले मिला? क्या बात हुई आपके दरमियान में, उसकी और आपकी बात क्या हुई है? मेरी 3 दिन पहले उससे ये बात हुई। ये कोई तरीका है? सुबह से बैठ के इंतजार कर रहा मैं आपका, आप टाइम मिला आपको आने का, मेरे टाइम गुजर नहीं आपको। तो भाई क्यों गुस्सा कर रहा है यार? यार मैं, मुझे पता है भाई, मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन यार बंदे की कोई मजबूरियां भी होती। यह थोड़ी होता है कि बंदा आया है ना, दुआ ना सलाम और आके बंदा पड़ जाए, यार कोई तरीका होता है। मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? मैंने अब पैसे लेकर दिए थे, अब रोज मेरा सर खाता है, पूछा कब पैसा बस देने, तू ना मेरा फोन उठाता है ना, 2-2 दिन 3 दिन नजर आता है तो मुझे कहाँ गायब होता है, मुझे गुस्सा है क्या आएगा? क्यों टेंशन ले रहा भाई, मुझे पता है तेरे पैसे देने, तो यार तेरे काम से ही गया था मैं, ऐसी गेम डाल के आया हूँ ना, तेरे क्या जितनों के पैसे देने भाई सब बता दे, टेंशन नहीं लेता। मुझे खुदा का खौफ नहीं है, किसी गरीब की बात दुआ से डर लगता है, क्योंकि किसी गरीब की जिंदगी तबाह करने पे तुला हुआ है। यार जा, और यार मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तुम अभी भी दुआ बददुआ पे। ओ भाई मेरी बात सुन, जिनकी अल्लाह दुआएं नहीं सुनता उनकी बददुआएं सुनेगा। और भाई कोई असर नहीं है ये दुआएं बददुआएं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है इनसे। आज तू किसी की बेबसी पैस रहा है, उस वक्त डर जब खुदा तेरा मजाक बना देगा। लोग तेरे पैसे के कब तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा, छोड़ दे ये काम, छोड़ दे यार, सुधर जा। यार तू अपनी तबलीग ना किसी और को जाके कर, ठीक है? भाईजान मुझे पता है मैंने तेरे पैसे देने, तकरीरें ना सुना, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। तेरे तकरीर सुनने के लिए बैठा हुआ, मुझे पैसे चाहिए, 10 दिन का जो टाइम है, 10 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं सुना। 10 दिन के अंदर अगर पैसा ना मिले, तेरे घर का सामान उठा के बाहर, फिर ना मुझे कहना। उसने मेरे पैसे देने थे, मुझे नहीं पता था वो आपको पागल बना के मुझे पैसे दे रहा है। यार क्या करूँ ना, मुझे आप शरीफ घर से लगते हो, तो पहली बात उसका नाम हादी नहीं है, उसका नाम अहमद है, वो मेरे घर पे किराएदार रह रहा है। पहले उसने मुझे बेवकूफ बनाया था, मेरे पैसे खा गया था। यार मुझे ना तेरी बातें समझ भी नहीं आ रही और हजम भी नहीं हो रही, क्या बातें कर रहा है, वो ऐसा बंदा नहीं है यार। लेकिन अब जो दिल में जो तासुरात, खौफ आ रहा है, वो भी अजीब आ रहा है। 3 दिन हो गया वो, मतलब कि फोन भी नहीं उठा रहा, नंबर भी बन जा रहा है। यार मैं क्या करूँ? वो मेरे पैसे देने आया था और मुझे ये कह कर गया कि मेरे घर में एक बेवकूफ रह रहा है, उसे कह देना कि हर बंदे पे शहर में एतबार नहीं करते। यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा बंदा निकलेगा, ठग निकला है वो। अपना सारा सरमाया उसको दे दिया, उस पे लगा दिया, मैंने अपनी बस्ती की सारी जमीन बेच दी, अब्बे के साथ लड़ाई करके उसको मैंने पैसे दिए, लेकिन वो ऐसा बंदा निकला। कमाल है यार। हमारे शहर में कहावत है, किसी पर एतबार करना सबसे बड़ा गुनाह है। मुझे तेरे साथ हमदर्दी है, ठीक है, तेरा बेहतर यही होगा तेरे लिए, तो अपने गांव वापस चला जा, यहाँ रहेगा तो और बर्बाद हो जाएगा। बस्ती जाके करूँगा क्या, सबको तो मैं लुटा बैठा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं। भाईजान, मेरा काम था आपको समझाना। अगर आप शहर में रहोगे तो यहाँ आपको बहुत फायदे मिलेंगे। अब मेरा मकसद यानी मेरा मकसद आपको समझाना है, समझा दिया। तो बेहतर ये होगा आप अपने गाँव वापस चले जाओ, और आपका सामान मैंने सामने शॉप पे रखवा दिया है, अब वहाँ उठा लीजिए। आपके साथ जो हुआ है ना, मुझे दिली दुख है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं मदद करता हूँ। चाचा, गुंडा ही टोर गए। तुम लोग टोरते राजी हैं? चाचा खुदा का खौफ कर, पेट भर गई चीजें नहीं है, जल्दी खानी है। मेरे को कोई बीमारी का नहीं, मेरा पुत्र पैसे गिन के पता कितना कितना नहीं। बड़ी गल है, पुत्र की फिक्र नहीं है, पैसे की फिक्र है। की करना है मैं पैसों का? एक बार आवे सिंह ने लत्ता भरे सा पैसे गिन तो भूल के पियो इतना मरदा पिया है, उनको फोन कर। हेलो, और तुम मैनू तो भुले हैं, ठीक है। और यार, जब मुझे अपना होश नहीं है, तेरी क्या याद रह जाएगी मुझे? नाल अपने प्यो नू भी भुल गए। ओ यार, क्या कह रहा है, सही बता, क्या हो गया अब्बे? वो बेचारा बहुत बीमार होया पिया है, उसकी हालत ही बड़ी खराब हुई पई, आखिरी सावां च है। किथे है तू यार? चौधरी, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, खाने के पैसे भी नहीं है मेरे पास। कैसे हूँ मैं, लुट गया, बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गया हूँ। तो यार तू छट परे यार, तू वाह भाई वाह, तेन पैसे मैं भेज देव, दफा कर उन्होंने, तू इतने आ मेरे को जल्दी आ, प्यो बीमार होया पे, तेन अपनिया पई हुई, मैं भेजदा पैसे तेन हुणे। ओए भोलिया, सुकी नहर च मरना ही, लोग तो पानी च डुब के मरते हैं, तू ही रह गई छोड़ी, तू ही ताने मार गई, वैसे जिंदगी में जलील थी आवदा। पर जेड़े तेरे करतूत है ना, और तेनू सुकी नहर ने भी नहीं मारना। यार चौधरी, सारा कुछ मैं लुटाया शहर दे, लेकिन कुछ भी कहने बचे, तो केड़ा मुंह बेग नहीं खेलते मन, यही मुंह ले जा केड़ा काला कराए शहर को। यार चौधरी, मैं खुद खुशी ना करना क्या करा, लेकिन कुछ क्या नहीं बचे। तेरा फोन है, मैं अब खबर सुन आया, अगर मैं मरा खुदकुशी करा तो शायद मतलब अब मेरा हाल थी। ओए भोलिया, तू भोला ही रह गए, तेरे मरण ना अगर तेरे अब्बे दे मसले हल होंगे, चल फिर मैं तेन पका दे। मेरे अंदर सड़िया कुछ क्या नहीं बचा, मैं जिंदा लाश बैठा सी। ओए भोलिया, पर मरण ना मसले हल नहीं होंगे, अगर तू मर गया ते तेरा प्यो बस्ती दे पे किसी नूं मुंह दिखाण जोगा नहीं रहेगा। मैं अपने अब्बे को मुंह दिखाण जोगा रखी किथे? ओए भोलिया, सियाणे कहंदे ने जिंदगी अल्लाह ताला दी नेमत है, तू उस दी नेमत नूं ठुकरा रहे हैं। चौधरी, नेमत तो खुदा दी है, पर मैं कदर नहीं कीती। क्या तेनूं नहीं लगदा कि मैं मर गया? ओए भोलिया, हम तो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने प्यो की मुंह दिखावांगा, कल ही करण सोखे मैं ते गुजर दे हूं को पता हुन की दसेगा हुन कि तेरी ना शुक्री करके हैं, तेरी दी हुई जिंदगी में ठुकरा के हैं। था मैं प्यो दा मुजरिम, उठा रब जात दा मुजरिम, मैंने बच्चा तो बच्चा किया, मैं जिंदा लाश ही बन। ओए भोलिया, सच्चे दिल ना माफी मांग ले, प्यो भी मान जाएगा तो सोनी जात पाक भी मान जाएगा। चल चलिए। यार मेरी हिम्मत नहीं बधेंदी, मैं अब्बे नाल किवें सामना करा। जो मैनू गलत काम वास्ते तू मना रहा सी, मिन्नतां तरले कर रहा सी, मरने नू तैयार सी, शहर जाने नू तैयार सी, ख्वाब देख रहा सी उच्चे उच्चे, मैं कर दांगा, मैं वो कर, मैं खरीद लागा, अमीर बन जाऊंगा, खरबापति बन जाऊंगा, बिजनेसमैन बन जाऊंगा। वो मैनू मना सकते हैं, अज सही काम वास्ते तेरी हिम्मत नहीं पैंदी। पगले यार, अच्छा जे गलत काम वास्ते मैनू मनाया सी ना ते सही काम वास्ते भी मना। अब्बा मेरी जरा गौर ना सुन ना मुरादा, पियो को यहां हालत में पहुंचाते होने का याद आ गया। अब्बा दिल ते हाथ रख, एक गाल ते को दसनी मैं डूडी थी के ते को दसन चाहंदा, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं थी, मैं कुछ हार ने लोट गई थी, मेरे लिए कुछ कर नहीं बचे, खाली थी था मैं किवें आवा सामना ना कर सकता। ना मुरादा पूरा जहलानी सारी बर्बाद करते गई थी है। ना मुरादा ये जगह ना कर खली नाल खड़े से बड़ी सच्ची गाल है, और मैं तेको बड़ी हिम्मत हौसले नाल तक दसेना। चाचा तू पर हटवन पर की कर रहे हैं? एक मिनट इवे पर थी मैं इतबे गलत काम वास्ते दा हुंदा साथ दे रही। चाचा तू में हौसला रख, उस वेले मारना सी जो तेनू पैसों का दस रहा सी, मेरी जमीन इन्ने दी, अपनी इन्ने दी जमीन है तो इन्ने च विक जाएगी। उस वेले तो तू भी थोड़ा डोलिया सीगा, उदों की होया सीगा? लाए तो दो थप्पड़ बाहर देन दो चना, क्या ये चीज़ इनू तेन पता की कर सकती है? इनू खुदकुशी करने ते मजबूर कर देगी, मर जाएगा, ये नहीं बचना। चाचा इनू फैर मार, अगर इनू फैर मारना तेरी जमीन वापस आती है ना तो मार मार दे, एक नहीं दो फैर मार मार। यार चौधरी ना शर्मिंदा कर मेरे को भी तो मेरे प्यो को भी। मेरा प्यू डू थप्पड़ मार गए से मैं बर्दाश्त कर गया, कोई शक नहीं। यार चौधरी जेड़ा मैं नुकसान अबे तक कीते ना, मैं पूरी जिंदगी भी नहीं ला सकदा इन्ना नुकसान। क्यों? तू लंगड़ा हो गए, लूला हो गए, जेड़ा तू नुकसान नहीं ला सकदा। यार जिंदगी दा मकसद नहीं कि एक गलती कीती ते सब कुछ खत्म हो गया। नहीं यार तू बस कर, हां ऐसा लू प्यू पुत्र दी गलती है, ठीक है हुन अस रलते कर गए सो। अब्बा मैं तो कोई यकीन नहीं मिलना, बड़ा काम अक्सर मैं शौक नाल करे सा, बड़ी मेहनत करे सा, वो काम देवे इंशाल्लाह। आपा वल जमीन घेंसू, अपना सारा कारोबार सारा कुछ वाला भूल जाते आवेसू, बेफिक्र थी मेहनत करे सू इंशाल्लाह।